देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है। फतेहाबाद में टीकाकरण की नोडल अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और 45 साल से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है और ये जो पोर्टल है वो कोविन 1 से बदलकर कोविन 2 शुरू हो गया। आज से कोविन 2 में ये फीचर है कि जो बेनिफिशियरी आती है अपनी फ़ोटो आईडी लेकर आएगी और हम सेम टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको टीका लगा देंगे, है ना। कोविन 1 में ये था कि पहले से हमें प्री रजिस्टर्ड करना पड़ता था तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, उसमें नाम ढूंढना, बेनिफिशियरी अप्रूव करनी पड़ती थी। इसमें सीधा फीचर दे दिया कि जो भी 60 साल से ऊपर वाले हमारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं वो अपनी एक आईडी लेकर आएंगे, फोटो आईडी, और उसे हम उनको ऑनलाइन एंटर करेंगे और वेरीफाई करके उनका टीकाकरण करेंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति भ्रम को दूर किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने टीका लगवाने का निश्चय किया है। लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, 28 दिन बाद वो दूसरी खुराक भी अवश्य लेंगे। हमें सुबह सुबह न्यूज़ से पता चला तो प्रधानमंत्री को सीनियर सिटीजन को लगनी शुरू होती है, तो हम हॉस्पिटल में आए, हमारे रजिस्ट्रेशन करते हुए तुरंत हमारा टीका लगा दिया गया और आधे घंटे के लिए हमें वहाँ बैठना है। मैंने आज अभी पहला टीका लगवाया आधा घंटा पहले और मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ और बाकी जनता से भी अनुरोध करती हूँ कि ये टीका जरूर लगवाएं। जो सरकार ने स्कीम चलाई है इसका भरपूर फायदा उठाएं और ये भी कहना चाहूँगी जो पहला इंजेक्शन लगवाए उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा भी इंजेक्शन लगवाएं। मैंने आधा घंटा पहले अभी वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है और मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैं सभी देशवासियों से और जिलावासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी ये इंजेक्शन जरूर लगवाएं और आगे भी दूसरे लोगों को बताएं।